माई चैनल, दिस इज अरी व्लॉग और ये है अनदर नया व्लॉग और ये है रमजान डे 25। अगर आपको मेरे रमजान की सीरीज अच्छी लग गई तो अभी जाकर लाइक करो जल्दी से। और अभी मैं ना एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को जो कि बहुत कॉमन है हमारे घर में। हमारे घर में ना एक आलू की डिश बनती है जो कि मैं स्पेशली खाती हूँ, इतना कोई खाता नहीं है। तो अभी क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी और मुझे भूख लगी थी, तो फिर सबसे पहले क्या हुआ, मैं उठी हूँ और अभी मैं सोकर उठी थी, तो फिर मैंने पहले कपड़े बदले। अब मैंने कपड़े बदल कर फिर मैंने सोचा उस डिश को मेक करें, तो वो डिश है, हम बताते हैं मैं क्या डिश है उस डे कह रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले आलू उबालो, ठीक है। आलू उबालने के बाद ना इसको अच्छा इस तरीके से कट कर लो जैसे मैंने कट कर लिया ऐसे। उसके ना फिर चाट ये काली मिर्च डालो और चाट मिर्च डालो और ऐसे ना मिक्स करो हाथ से, खाओ यार इतना मज़े का लगता है। ये मेरी सीक्रेट डिश है, अगर इसको खानी है तो घर पे बना लीजिए क्योंकि बहुत ईजी और बहुत अच्छी है। और ये मैं ख़ुद बनाती हूँ, गैस मेरे कोई भाई बहन या भैया या मम्मा ऑन कर देती हैं क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती गैस का कुछ भी काम, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं करा। तभी मैं जल्दी से इसको खाती हूँ। मैं अभी और डालूँगी, मैं कहीं यहाँ इतना समझी समझ, तो अभी मैं डाल कर फिर मैं खाती हूँ। ये है हमारी आज की सहरी, आलू कीमा, सोया मेथी और कोरमा और ये सब। लाइक करिए स्टेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं सहरी कर सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ और आज मैं इतना लेट उठी हूँ ना, मतलब आप सोच नहीं सकते बहुत लेट उठी हूँ मैं आज। पहले मैं 4 बजे उठती थी और आज मैं 6 बजे उठती हूँ, मतलब माशाल्लाह, मतलब मेरा रोज़ा यूँ गुजरा यूँ। तो अभी जो मम्मा बाबा है ना, आज भी आपको मम्मा की अच्छी सी तैयारियाँ मिस करेंगे आप लोग 2 दिन पर, मंडे से अच्छी सी तैयारियों की तैयारियाँ मिलेंगी क्योंकि आज इतना कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो मम्मा ने कहा चलो आज भी बाहर से ले आते पर मंडे को आपको तैयारियाँ देखेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे और पूरे शहर को पता है नहीं मैं अपने प्रॉमिस से कितनी पक्की है। तो चलो अभी जब तक मम्मा वो लेकर आती तब तक मैं थोड़ा बहुत सो जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती नहीं, मैं सोती नहीं हूँ। अब थोड़ी बहुत मैं क्राफ्टिंग कर लेती हूँ अभी क्योंकि मैं मोबाइल देखूँगी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा बता दो। चलो पहले क्राफ्टिंग करती हूँ। ये है मेरी क्राफ्टिंग की जगह, इन सब चीज़ों से मैं क्राफ्ट करती हूँ। और मैंने होममेड स्टिकर्स बनाए थे, मैंने आपको दिखाए हुए थे, मैंने ब्लैक पिंक के साथ थोड़े और स्टिकर बनवाए बनवाए नहीं खुद बनाए हैं उलझा। हाँ तो वो स्टिकर्स ये वाले मैं दिखाती हूँ आप लोग को। मैंने थोड़े और स्टिकर्स बनाती हैं, काफ़ी क्यूट क्यूट है ये सारे स्टिकर्स, सब अलग हो जाएंगे कोई मसला नहीं। तो ये पता नहीं चिपक कैसे गया इसके साथ, पता नहीं कैसे, चलो इसको मैं बाद में रीसेट करती हूँ। अभी मैं कुछ कलर वगैरह क्या कर लूँ मुझे खुद नहीं पता, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, कहीं दराज कचरा भी बहुत है सीरियसली, खड़ा लिख लो। तो आई थिंक मुझे ना हाँ, तो और मैंने एक नई चीज़ परचेज़ करी जो कि मैंने तभी दराज़ खोली थी, मुझे पता था आप लोग बोलो कि क्या आपने दराज़ से कुछ ऑर्डर मंगवाया, सो मैंने ये ऑर्डर मंगवाया था दराज़ से। मेरी दूसरी वाली पिन कहाँ गई, एक सेकेंड मेरी पिन कहाँ गई दूसरी वाली, ये भी कुछ स्टिकर्स हैं मेरे। ओके तो मैं दूसरी वाली पिन ढूंढ कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मेरी दोनों चीज़ें हैं ये क्या है, बेसिकली जो मैंने दराज पे जो पिक्चर दिखी थी वैसी तो नहीं मिली क्योंकि वैसे वो नॉर्मल पेन था, पर ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा पेन नहीं है। जैसे कि अगर मुझे ये वाली जो BTS का पोस्टर कार्ड है इसको मुझे कहीं पर भी चिपकाना हो तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, ये मैं हर चीज़ ना डबल साइड टेप कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, वो रहा ऊपर है ये रहा, पर कैसे चले गया भाई हट। तो जैसे हर चीज़ में डबल साइड टेप काम नहीं आता, तो इस चीज़ पे तो आ सकता है पर हर चीज़ पे नहीं, तो मैं क्या करूँगी मैं इसको ना मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सो ये रहा इस तरीके से इसका ये है और कुछ इस तरीके का, और इसको आप पीछे लगा सकते हो ऐसे यूं कर कर आराम से, हाँ ठीक है। फिर ना आप थोड़ा सा ना डॉट लगा सकते हो, ये इस शीट पे नहीं चलेगा क्योंकि ग्रामर शीट वगैरह लाई जाती है, ये देखो
आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, पर इसका जैसे कि मैं डॉट लगाऊँ या कुछ भी ऐसे ऐसे लिखूँ ना इससे, तो जैसे कि इसकी जो रिफिल है ना वो बेसिकली ग्लू है, देखें सब ग्लू है ग्लू। तो जैसे कि अभी मैंने ये डॉट लगा रही हूँ, अब इस डॉट पर अगर मैं कुछ चिपकाऊँ तो वो चिपक जाएगा, जैसे कि मैं यही चिपका रही हूँ, तो ये आराम से चिपक जाएगा इस तरीके से आपका। तो देखो कितने आराम से चिपक गया ये। तो यही है इस ग्लू का मकसद। तो आप बेसिकली परचेज कर सकते हो दराज, इसका नाम है ग्लू डॉट पेन नाम होता है इसका। बहुत ही अमेजिंग है, चलने में थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि क्योंकि मैंने जैसे देखी थी वैसे ही तो नहीं मिली मुझे, क्योंकि दराज धोखा देता है कभी कभी, पर नहीं वैसी ही आई है, पर मुझे पता नहीं जो मैंने देखी थी दराज पे वैसे तो मुझे नहीं मिली, पर जैसे भी मिली ठीक ठाक है ये, पर इसको चलाना काफ़ी हार्ड है, तो काफ़ी चलाना हार्ड है। तो ये जैसे कि मैंने पेन मंगाए थे, मतलब इसको चलाना काफ़ी हार्ड है बट यूज़फुल भी बहुत है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये मुझे 284 का मिला था, इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, पर दराज वाले ना वो डिलीवरी के लिए भी ना वैसे करते हैं, तो मंगवा सकते हो। स्टे ट्यून्ड। मम्मा आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले आए इतनी सारी, तो आज की भी आपको अफ्तारी मिस हो गई है, पर ठीक है। तो पता नहीं दही बड़े हैं शायद, हाँ दही बड़े हैं, और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें, जब अफ्तारी पे सब लगेगा तब मैं आपको। सब बाहर से ही आए तो आज भी वही है, और वो वाली और ये है मेरी जैसा है हमारी अफ्तारी। अब मम्मा सारी चीज़ें अंदर रख रही हैं, और जब मम्मा सब रख लेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मम्मा ने पूरी अफ्तारी, तो अभी सब अफ्तारी करने जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ करने के लिए। उससे पहले आज की अच्छी बात मैंने बताई, तो आज की अच्छी बात बेसिकली ये है कि आप लोग बड़ों की बात माना करें, क्योंकि और जो मतलब जैसे आपके जो टीचर हैं मैडम हैं उन सब की बात माना करें, क्योंकि वो आपके उस्ताद हैं, उस्ताद की इज्जत करना बहुत ज़्यादा सवाब है, तो इसलिए आप सब अपने उस्ताद की इज्जत करा कर। चलो मैं अफ्तारी करके फिर आप सुनते स्टे ट्यून्ड। गाइस मेरे रमज़ान डे 25 भी बहुत अच्छे से गुजर गया है, और अगर आपको मेरी रमज़ान की सीरीज पसंद आनी है लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।